मंच पर मौजूद जयंत चौधरी जी जो राज्यसभा के मेंबर तो हैं, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा सम्मानित किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चंद्रशेखर चले गए हैं, गुरु नाम चढ़ूनी जी और सम्मानित मंच, आप लोग बहुत थके हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कम वक्त में काम की बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं, इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा होगा, टीवी पे दिखाया गया, खून खोलता था उसको देख के, और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे, ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है, अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा अगर एक दो दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं, एमएलएस के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, जयपुर यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है निर्मल उसके, के साहब हमारे यहाँ इनको लाओ और हम इनको घुमाएंगे। अब ये तो इनके ऊपर है, ये जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव गांव घसीटा जाएगा, गांव गांव इनकी दुर्गति होगी और लोग इनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं करके मैं और जो जरूरी चीज है वो आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि पुलवामा का एक मामला है जो मैंने अभी 20 दिन पहले बोल दिया, उसके बाद से मेरे जो कार्यकर्ता थे उन सब के यहाँ सीबीआई भेज दी उन्होंने, उन पे कुछ था नहीं, क्या निकलने वाला था, लेकिन वो इसलिए कि ये जो पुलवामा है इसमें हमारे 40 लड़के शहीद हुए और उनकी लाश पे खड़े होके इन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने जब इनका फोन आया, ये शूटिंग करा रहे थे अपनी उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, और मुझे कहा प्रधानमंत्री जी ने कि सत्ताल भाई बताओ क्या हुआ, मैंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 से ज्यादा नौजवान मारे गए और उसमें हमारी भी गलती रही। तो इन्होंने पूछा क्या, मैं कहा उन्होंने 5 जहाज मांगे थे, अगर वो 5 जहाज मिल जाते तो इनको सड़क से नहीं चलना पड़ता। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं 2 चैनल को बोल चुका था। खैर उसके 25 मिनट बाद जो देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्या नाम है उसका, अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो भी रहा है लॉ में, फिर उसका फोन आया और उसने भी यही कहा कि मलिक साहब आप इस पे अभी मत बोलिए, चुप रहिए। मैं समझा शायद ये जांच करेंगे, आज तक उसकी जांच नहीं हुई और उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ के उस मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में पुलवामा याद दिला के इनको हम अपने शहीदों की आग में भस्म कर देंगे। इन्होंने जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जाती की, मेरे से मांग लेते 5 जहाज में गवर्नर था 15 मिनट में दिला देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से मांगे और होम मिनिस्ट्री ने उनको जहाज नहीं दिए और वो सब बच्चे शहीद हो गए। दूसरे, जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा था
तो आपको याद होगा 4 महीने तक कोई बातचीत किसानों के साथ नहीं हुई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं इस्तीफा अपनी जेब में रख के इनसे मिलने चला गया और मैंने जाके इनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, इनसे कोई बातचीत करके इसको किसी तरह सलटा लीजिए। तो बोले नहीं सुतपाल भाई, ये चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा साहब ये ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। आप इनमें सिखों को नहीं जानते हो, सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। और ये जब ब्लू स्टार किया था मिसेज गांधी ने, उसके बाद 1 महीना मिसेज गांधी ने 1 महीने तक महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अब नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बुआ आप तो इसमें यकीन नहीं करती थी, तो मिसेज गांधी ने कहा कि नहीं भैया तुम्हें पता नहीं है, जिसने भी इनका स्वर्ण मंदिर छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए। तो मैं कहा साहब जिन कौमों से लड़ो उनके बारे में जान लो कि लड़ किन से रहे हो, और इनके साथ ये हमारे वाले हैं, ये तो 6 महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं, इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के उसका दाह संस्कार कर दिया था, तो ये लड़ने की चीज नहीं है, ये बातचीत करने की चीज है। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बहुत घमंड में थे, 2 महीने बाद तो माफी मांग के वो कानून वापस करने पड़े। और इसी तरह मैं बता रहा हूं इन बच्चियों का, आप इनको समर्थन देते रहिए, माफी मांग के इनकी मांगे मानी जाएंगी और ये जीत के निकलेंगे। ये सरकार 24 में अगर आप नहीं हटाओगे तो आप हट जाओगे, खेती को खत्म कर देगी, फौज को खत्म कर देगी, अग्निवीर ला के फौज को तो वैसे ही खत्म कर दिया है, तो ये हमारे सारे रास्ते जिंदा रहने के बंद कर देगी। लेकिन अगर आपने हटा दिया तो फिर वाकई एक अच्छा वक्त इस देश में आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि उस दिन आप मत भूलना, आपकी आदत है, आप इकट्ठा रहना, जात पात में मत जाना, और इकट्ठा होके इस सरकार को हटा देना, बर्खास्त कर देना और एक तरह से परास्त कर देना। बहुत लंबा मैं हो गया, मैं अभी जब इन्होंने चार कानून वापस लिए, माफी मांग के वापस लिए थे कि हमसे गलती हो गई, लेकिन आज तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया, बिना एमएसपी के किसानों का गुजारा नहीं है, एमएसपी जरूर लागू करनी चाहिए लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई है। वो लागू होगी जब आप दोबारा लड़ाई की हुंकार भरोगे, और मैं आश्वस्त हूं कि किसानों को एक लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी, वो चाहे चुनाव से पहले लड़ो या चुनाव के दिन लड़ो, एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी एमएसपी के लिए। मैं बहुत लंबा हो गया, सब थके हुए हैं, मैं इतना ही कहूंगा आखिर में, चडूनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को जोड़ के ये बहुत अच्छी मीटिंग कराई, और इसको पंचायत का नाम जरूर दिया पर ये बहुत अच्छी सभा थी। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जितना मैंने चडूनी जी को समझा जाना है, ये संघर्षशील आदमी है, इनके साथ आगे बढ़िए और इनको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।